जहाँ से आपके सारे रास्ते सारे द्वार बंद हो जाते हैं, वहीं से एक रास्ता खुलता है और वो रास्ता है भगवान द्वारा दिया गया। भगवान जहाँ से आपके सारे रास्ते खत्म होने लगते हैं वहीं से वो नया रास्ता शुरू करता है। महसूस कर सकते हैं आज की कहानी एक ऐसे ही जो राजा की सीख को उनके द्वारा एक राजा के आशीर्वाद जिसके नगर कभी भूल नहीं सकते, बहुत सारी ऐसी कहानी। और वो राजा बहुत ही अच्छा भी था, उसने अपनी प्रजा की चिंता रहती थी, अपने उनके सुख दुख में बात की उस बातें सुनता था और सबकी देखभाल भी बहुत अच्छे तरीके से करता था और बहुत खुशहाल भी रहता था। लेकिन कुछ समय से जब उसकी उम्र हुई तो वह उदास रखने लगा। जब मंत्री और उसके शुभचिंतक ने उससे पूछा तो उसने बताया कि उसकी कमी जो उदासी का राज जो है वो बताया कि उसकी कोई संतान नहीं है। तब सभी उसे सलाह देने लगे कि आप अपने जो प्रिय है उसे उत्तराधिकारी बना लीजिए या फिर अपने ही किसी जो अच्छे कार्य करने वाले उन्हीं को अपना उत्तराधिकारी बना लीजिए, गोद ले लीजिए। हर तरह की सलाह देते हैं लेकिन राजा को कोई भी बात पसंद नहीं आती है। तब वो एक आश्रम में जाता है, वहाँ पूजा पुजारी से पूछता है कि आखिर मैं क्या करूँ, मैं बहुत चिंता में हूँ। तो उसे वहाँ से सलाह दी जाती है कि एक बलि चढ़ाओ। वहाँ जो आश्रम में संत रहते हैं वो बताते हैं कि एक बलि चढ़ाओ, बच्चे की बलि चढ़ा दो तो तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा को बात ही अच्छी लगी, आखिर उत्तराधिकारी की बात थी। इस बात को सुनते ही राजा अपने घर महल में आते हैं और वो बात अपनी मंत्री शुभचिंतक को बताते हैं। सभी उनकी बातों को सुनकर बोलते हैं कि ठीक है। सभी बताते हैं कि नगर में ही एक गरीब परिवार है जो कि बहुत ही कष्ट में है और उसके इस बहुत सारी चार या पांच संतानें हैं और उन इतनी गरीबी में है कि वो ठीक से भोजन भी नहीं करा पाता है और बड़ी मुश्किल से उसका जीवन व्यतीत होता है। तब भगवान की प्रार्थना कर राजा तैयार हो जाता है उसके बच्चे को गोद लेने के लिए और अपनी बात वो गरीब से जाके बताता है। गरीब व्यक्ति भी अपनी गरीबी से त्रस्त रहता है और राजा की ये बात सुनकर उसे लगता है कि चलो एक बच्चे को यदि बलि चढ़ा के मेरा पूरा परिवार खुशहाली में रह सकेगा तो क्या हर्ज है। इसके लिए वो भगवान से वो भी प्रार्थना करके इस बात को स्वीकार करता है और वो देने के लिए गरीब परिवार राजी हो जाता है। बड़ी प्रार्थना के बाद वो उसे गरीब परिवार देने के लिए राजी हो जाता है। राजा को जब वो परिवार अपने बच्चे को देने के लिए तैयार होता है तो राजा उससे प्रार्थना करता है और अच्छे से सारी बातें बता देता है। वो व्यक्ति अपने छोटे बेटे को देता है। छोटा व्यक्ति बेटा जो है वो बहुत ही छोटा था और वो उसे किसी काम के लिए काम भी नहीं करता था और वो सिर्फ पूजा भक्ति इसी में लीन रहता था। और इस तरह से देखकर वो गरीब परिवार ने सोचा कि आखिर ये क्या कर सकता है, ये हमारे किसी सहारे का नहीं है, इसे क्यों ना राजा को दे दे ताकि बलि चढ़ जाए और इसका मैं क्या करूँगा भी क्या ताकि मेरे बाकी बच्चे अच्छे से रह सके। राजा उसे बलि के लिए चढ़ाता है और उसकी आखिरी इच्छा पूछता है कि बच्चे तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। उसने कहा कि मुझे घर बनाने का बहुत शौक़ है, मुझे मिट्टी दीजिए ताकि मैं उससे अच्छे से अच्छा घर बना सकूँ। राजा तैयार हो जाता है, सारी सुविधाएं उसे दी जाती है और वो बच्चा सुंदर सुंदर घर बनाकर राजा के सामने रख देता है। राजा उसे देखकर देखता ही रह जाता है क्योंकि उसकी हाथों में कला थी, हुनर था। उसने इतनी सुंदर सुंदर और विभिन्न तरह के घर बनाकर सामने रख दिए, लगभग चार बड़े घर और छोटे घर बना कर सामने रख दिए। और जब राजा देखा तो बहुत खुश हुआ, उसने उसकी खूब तारीफ की, प्रशंसा की। लेकिन वह बच्चा इतनी प्रशंसा पाकर खुश नहीं हुआ और उसने राजा के सामने आँखों के सामने ही उसने एक एक करके उन चारों घरों को लात से मारते हुए उसे तोड़ डाला। यह सब देख के राजा को बड़ा बुरा लगा, उसने सोचा कि सच में ये बच्चा ऐसा है क्या। और उसने पूछा, राजा ने उससे पूछा कि तुमने इतने सुंदर सुंदर घर बनाए, एक महल की तरह इतने अच्छे अच्छे घर बनाए, लेकिन तुमने उसे तोड़ा क्यों। मान लो खराब जो छोटे मोटे घर थे उसकी कोई बात नहीं, लेकिन इतना सुंदर सुंदर बनाने के बाद तुमने जो तोड़ा। तब वो बच्चा बताता है कि ये चार घर में एक घर मेरे माता पिता का है और मेरे माता पिता का घर
मैंने उसे इसलिए तोड़ा क्योंकि उन्हें मुझे बचाना चाहिए था। मेरी प्राण की रक्षा उनके हाथों में थी, उन्होंने नहीं की, इसलिए मैंने ये घर तोड़ा। दूसरा घर मेरे सगे संबंधियों का है, जो मेरे आस पड़ोस पास वाले थे, जो जिन्होंने मुझे इस बलि के चढ़ने के लिए मजबूर किया, उनके थे। मेरे मम्मी पापा को नहीं बचाया, उसके लिए है, इसलिए मैंने इसे भी तोड़ दिया। तीसरा जो घर है वो महल है, और ये आपका था, आपकी ये कर्तव्य था कि आप अपनी प्रजा की रक्षा करें, लेकिन आपने भी मुझे बलि चढ़ाने के लिए ले लिया। और ये जो चौथा घर है ये मेरे भगवान का है, और मैं यहाँ हाथ जोड़कर बैठा हूँ। इन तीनों घरों को तोड़कर मैंने यहाँ सहारा लिया है। अब भगवान की मर्जी, वो जो चाहे वो कर दे। राजा को इस छोटे बालक की बात सुन के बहुत आश्चर्य हुआ और बहुत खुशी भी हुई कि इतने छोटे बच्चे में इतनी सारी समझदारी। और राजा को ज्ञात हुआ कि वो गलत कर रहा और उस बच्चे को ही उत्तराधिकारी बना लिया। ये होती है भगवान की शक्ति। जहाँ वो बच्चा बलि चढ़ने वाला था वहाँ उत्तराधिकारी